चाले कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अलग अलग शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं क्या ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ, तो आज जैसे कि मेरे वाले साहब का ये के सालाना भी है, तो साल का भी आज वो खत्म है, तो वालदा की तब जा रहे हैं। हमने मिलाद शरीफ रखा है, मिलाद शरीफ इस से हम सब बहन भाई, बस माशाल्लाह मैंने बताया आपको, साथ में मिलते हैं हम सारे मिल के कुरान पाक पढ़ते हैं। और फिर मेरे अब्बा जी पसंद भी करते थे कि अपनी औलाद जो पढ़ती है, वो कहते थे कि वो उनको अच्छा लगता था, वो कहते थे किसी किसी पढ़ाना किराए पे आप लोग पढ़ा रहे, क्या फायदा मैंने आपको पढ़ाया किस लिए। तो फिर मैंने फिर कुरान पाक हम सब बहन भाई ने घर में पढ़ लिया, तो हम लोग वहाँ में मिलाद भी करेंगे, सब लोग खुद ही हम लोग मिलाद पढ़ेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो आपने देखते हैं सब मेरे बस भाई, कोई भी नहीं भाई, कोई बंदा, हम बहन भाई हैं आपस में, और बस भतीजे भांजे भांजी सब बेटी की जैसे सी आवाज होती है, मैं सबको पकड़ पकड़ के लाती हूँ, और सबसे मैं कहती हूँ चाहे दो दो लाइन पढ़नी है, सबने पढ़नी है। और ये जाहिर बात है नाना के रूप में मैं खुश होगी, बेटा आपके आप सब लोग पढ़ेंगे, सारों ने पढ़ा नाना दादा के लिए अपने, और हर बच्चे ने नात पढ़नी है जरूर, तो सबने तैयारी है कि बनो चुकी हुई। मैं तो आज अचानक ही जाऊंगी, मेरी तैयारी तो हर वक्त होती है, जैसे कोई मुझे कहता है मैं फोन स्टार्ट ले लेती हूँ, मैं भी नात पढ़ूंगी जी। और मेरे बच्चों से ऐसे कह तो दिया है कि बीच में नहीं पढ़ना, लेकिन हमारे घर के बच्चे बैठे होते हैं बीच में, तो लेडीज सर कभी कभी वो भी पढ़ते हैं, तो कभी उनकी आवाज भी आ जाए। बहरहाल आपने देखना, और इंशाल्लाह तआला आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, ये मिलाद शरीफ हमारा जो हमने पढ़ा है, तो हम सब बहन भी पढ़ते हैं मिल के। तो चलते हैं फिर आपके साथ भी हम ये इसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है शेयर करते हैं कि कौन कौन नाथ पढ़ेगा, और कैसे कैसे मेरी बहन भी सब पढ़ेगी। ठीक है, चलिए जी, मैं चलती हूँ वालदा के घर, क्योंकि वहीं पर है हमारे कुरान पाक जो है वो वहीं पर है। ठीक है जी, ओके जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। मैं आपको बताने जा रही थी कि आज मेरे वालिद साहब का भी हम लोग कई साल होता है, तो और साथ में भांजे मेरा मानो उस तक सेलिब्रेट करते हो, बहुत शौक था, अल्लाह जन्म नसीब करे दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उसकी शुरू से सालगिरह करते थे, तो उसको शौक होता था मिलाद भी, फिर हम लोग करवाते थे उससे। तो आज मिलाद के लिए होता है कि हम लोग बस घर की होती है, मेरे अपने सारे बहन भाई हैं। लौला के लमा का शोर ना हो
खाली नबियों के नबी तेरी शान है निराली मैं तो उम्मती मैं शाये उमन कर दे मेरे आका बरग दे करम मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली नबियों के नबी तेरी शान है निराली मैं अंधेरों ने घेरा हुआ है अका दुश्वार रब जी मेरा हुआ है बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली नबियों के नबी तेरी शान है निराली मैं तो उम्मती हूँ है चाहे उमन कर दे मेरे आका अब नजर करम मैं तो उम्मती हूँ है चाहे उमन कर दे मेरे आका अब नजर करम जिसको बुलाया गया वो ही अर्श परी है आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जिसकी ना बात को ही रब ने बिताली जिसकी ना बात को ही रब ने बिताली नबियों के नबी तेरी शान है निराली मैं तो उम्मती हूँ ऐ शायद उमन कर दे मेरे आका नजरे करम मेरी धड़कने तेरी तस्बीह करे सांसें मेरी तेरे गल में पड़े मेरी धड़कने तेरी तस्बीह करे सांसें मेरी तेरे गल में पड़े नस नस करे मेरी विरत तेरा सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफी छोटे बच्चे देखिए नाथ पढ़ेंगे सब मेरी फैमिली के बंदे बैठे हुए मैंने आपको बताया सब हम बहन भाई और हमारे ही बच्चे बस बाहर का कोई बंदा भी नहीं है तो अब ये देखिए ये खैरत पढ़ेंगी आज आका को मैं नजर क्या दूँ
याद रहा रब के
आपकी नुहाज और बाबा आप नाना बुला सकते आज आज बस अभी कह रही आज आज भटक भटक
Thank you.